उपसभापति महोदय, मैं संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, किसी संसद ने आज से कुछ वर्ष पूर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था और आज महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में लागू करने के लिए संविधान का ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। उपसभापति महोदय, जिसे मेरे पूर्वक लोगों ने बताया कि इसके पहले भी 4 बार प्रयास किया जा चुका है संविधान में संशोधन करने हेतु और ये 5वां प्रयास है। इसके पहले 2 बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय प्रयास हुआ, 1 बार देवगौड़ा जी के समय में प्रयास हुआ, 1 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय प्रयास हुआ, परंतु चारों प्रयास विफल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके प्रयास से कल लोकसभा में यह सर्वसम्मति से लगभग पारित हो गया और आज विधानसभा से यह पारित होने जा रहा है। उपसभापति महोदय, इसके पहले ये 4 बार क्यों नहीं पारित हो पाया? मैं यहाँ बैठे लोगों को इतिहास थोड़ा बताना चाहूँगा कि 1998 में जब अटल जी की सरकार के दौरान यह बिल सदन में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्री सुरेंद्र यादव, उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा और वो बिल कभी पारित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं सोती महोदय कि जब 6 मई 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था तो सदन का माहौल क्या था? हंसराज भारद्वाज उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन पर कोई हमला न करे उनको बचाने के लिए वो पहली पंक्ति में नहीं बैठे, वो सेकेंड रो में बैठे और उनके बगल में 2 महिला सांसदों को बैठाया गया, सुश्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा, और जो बीच का रास्ता जो आइल है दैट वॉज गार्डेड बाई रेणुका चौधरी, जयंती नटराजन एंड अलका बलराम क्षत्रिय। और हंसराज भारद्वाज जैसे ही खड़े हुए पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी थे अबू असीम काजमी, वो छीनने के लिए दौड़ पड़े, रेणुका चौधरी कूद पड़ी। इसी कन्फ्यूज़न में जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया और पीएस कुरियन जो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने तुरंत उस बिल को स्टैंडिंग कमिटी को रेफर कर दिया। तो सभापति महोदय, ये हाल था कि किस माहौल में, इतना ही नहीं जब स्टैंडिंग कमिटी से बिल स्वीकृत होकर जब आया और सदन के अंदर 8 मार्च 2010 को पेश किया गया तो समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर ये सभापति अंसारी की मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक को उखाड़ कर फेंक दिया, आरजेडी के राजनीति प्रसाद ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, सभापति की कुर्सी पर फेंक दिया। समाजवादी पार्टी के वीरपाल यादव, एलजेपी के साबिर अली, आरजेडी के सुभाष यादव, एजाज अली, उन्हें बोलने दीजिए, 7 लोगों को सदस्य बोलने दीजिए, निलंबित कर दिया गया। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 बार जो बिल पारित करने का जो प्रयास हुआ बैठे वो क्यों नहीं वो बिल माननीय सदस्य पारित हो पाया, ये सदन को जानना आवश्यक है। और उपसभापति महोदय, ये हंगामा प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो और उसे योजनाबद्ध तरीके से एक ओर दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में लिप सर्विस और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसा कर बिल में भेजकर हंगामा करवाया गया ताकि वो बिल पास न हो सके। उपसभापति महोदय, ये जो कहा जा रहा है, मैं सदन को ये बताना चाहूँगा कि निशाना ओबीसी आरक्षण नहीं था, निशाना था कि इस बिल को पारित मत होने दो, क्योंकि अगर ये बिल पारित हो गया तो बहुत सारे लोगों की
अगले बार चुनाव लड़ने का उनका अवसर खत्म हो जाएगा, और इसलिए प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से प्रायोजित तरीके से और इस बिल का विरोध किया गया। सती महोदय, सती महोदय, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मैं उनको इतिहास बताना चाहूँगा कि पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये पंडित नेहरू के समय में बना था। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, उसको क्यों लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, काका कालेलकर कमीशन के बाद 15 साल तक कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। और सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता, वो बना। 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सबमिट हो गई। किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और सती महोदय, 1980 से लेकर 1989 तक कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 9 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं लागू किया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रख दिया। और 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब पहली बार इस देश के अंदर, सती महोदय, इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। सती महोदय, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन बना, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया सती महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में एसटी कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। इतना ही नहीं सती महोदय, कि जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया, मैं सदन को बताना चाहूँगा, एक श्री बीके हंडी, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे पिछड़े वर्ग के, जो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2012 में, 2013 में, 2015 में, और हर रिपोर्ट में बीके हंडिक ने यह रेकमेंड किया कि पिछड़े वर्गों का आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, परंतु आपने नहीं दिया। और गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। एससी एसटी कमीशन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार ओबीसी कमीशन को दिए गए। द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट टू समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ऑन एफिडेविट। और सती महोदय, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पहली बार किसने दिया, नरसिंहा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो नरसिंहा राव जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक 4 लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया और कहा कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं। और सती महोदय, जब इंदिरा सावनी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, उस 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मैं जानना चाहता हूँ इस सदन में बैठे कांग्रेस के लोगों से, जब ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था, वो जब 25 सितंबर 1991 को जब खारिज कर दिया, तो 10 साल तक आपने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया, और किसने फिर आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस को, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ सती महोदय, जो लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी लागू कर दो, कल मैं भाषण सुन रहा था लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं का, कहते कि 24 में लागू कर दो, तत्काल लागू कर दो। तो आप क्या चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को, जिस तरह से 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कि आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को भी इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और उन्होंने जब 103rd अमेंडमेंट किया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक नया सब सेक्शन 6 जोड़ा गया।
जो कहता है, आप कंक्लूड कीजिए, समय समाप्त हो रहा है। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically and weaker section of citizens other than. Sati Mohday, Supreme Court ne isko upheld kiya. Isliye hum soch samajh kar ki delimitation commission banega, census ke figure aayenge aur tab 2029 mein lagu karenge. Agar jaldbaazi mein lagu kar diya Sati Mohday, to kal koi PL mein chala jayega, yahi log PL mein kisi ko khada kar denge और सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण विधेयक को खारिज कर देगा। लेकिन जिस तरह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हमने खारिज नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मुझे पूरा विश्वास है सती महोदय, आप शांत रहे, बोलने दीजिए। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में इन लोगों ने कभी ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख से ज़्यादा ओबीसी के बच्चे वो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में वो दाखिला ले पाए हैं। इतना ही नहीं सोती महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लीज शांत रहे माननीय सदस्य, आप शांत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर सब जा रहे हैं, शांत रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शांत रहिए प्लीज। डिपार्टमेंट को और यूनिट माना जाएगा, वो जा चुके हैं, हमने विश्वविद्यालय के यूनिट माननीय सदस्य वो जा चुके हैं, आरक्षण देने शांत रहिए। सती महोदय प्लीज शांत रहिए। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र किन लोगों ने नहीं लगने दिया? बाबा साहब अंबेडकर के मरने के कितने वर्षों के बाद सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगा? 34 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसके कार्य से मिला, किसके कार्यकाल में मिला? सती महोदय और सती महोदय महोदय ये कांग्रेस के लोग प्लीज आप शांत रहिए, उनके अपनी बात समाप्त करने दीजिए, मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सती महोदय कि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, आप शांत रहिए, उन्होंने मंडल कमीशन का और विरोध किया। सती महोदय, 6 सितंबर ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स आई रिक्वेस्ट यू टेक योर सीट। जयजी टेक योर सीट। आई Listen to my announcement. Please. Pramod Tiwari ji, please. This is a matter, as a collective wisdom of the house, will be thoroughly investigated. I will leave no stone unturned for it. And probe it, and not only probe it. One second. I realize the sensitive nature of it. I realize the reaction of very seasoned members. And it is a matter neither of this side or that side. It's a matter for all of us. We cannot allow any intrusion, except by the honorable members. And one second, I'll hear you on this. I will discuss with the members, the leaders, have it thoroughly probed, objectively probed, so that we reach a level whereby we have some kind of SOP for it. I can assure the House, given the high intellect of the House, that you will agree with me
वी कैन नॉट रिएक्ट, वी हैव टू रिजोल्व, वी हैव टू बी रेजोल्यूट, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट. इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग वी हैव टू पुट इट इन करेक्शनल ग्रू. एंड आई देयरफॉर अपील, प्रमोद जी, बट यू आर शोइंग योर बैक टू मी. You can't show back to the chairman. So, and reactions that have come from Jayaji, very well meaning, that it is a matter to be probed. It's a matter. One second, please listen to Jayaji. CS reservation. On this day, women's reservation. Let us. So, ma'am, before that, sir, ये बहुत give us light. Give us enlightenment. नहीं सर, मैं तो जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर कहना चाहती हूँ. हाँ, उसी प्रूफ में. हाँ सर, इस बात को मैं इस हाउस में नहीं लाना चाहती थी. कल बात ऐसी हुई, वो अच्छी तरह से निभ गई जब आपने कहा कि गैलरी में बच्चियाँ बैठी हुई हैं. फिर उसके बाद आपने मेरे करियर के बारे में बात किया और निर्मला जी ने भी बात किया. मैंने उस बात को आगे छेड़ा नहीं. मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. परसों के दिन और कल मैं जितने बार बाहर गई घर जाने के लिए, लंच हो या जो भी ब्रेक हो, ग्रुप्स ऑफ विमेन वेर कमिंग और उन्होंने सबने मुझसे कहा हम आपके फैन हैं मगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं. आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस इन टू द हाउस बट आफ्टर वॉट हैपेंड जस्ट नाउ आई एम फोर्स टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस. देखिए, आपको जितना चिल्लाना है आप चिल्ला लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए. जो रियलिटी है उसको देखिए प्रियंका, जो रियलिटी है उसको देखिए. ना प्रमोद तिवारी जी, जया जी, आई हैव टेकन नोट ऑफ इट, सर. ये पूरा परिसर आपके अधीन है, पूरा परिसर, पूरा कैंपस आपके अधीन है जो राज्यसभा का है. हम सुनियोजित ढंग से देख रहे हैं. इसमें ये पता लगाना चाहिए कि किसकी रिकमेंडेशन पर, किस सदस्य की रिकमेंडेशन पर ये आए थे जो आए थे. तो उस सदस्य के खिलाफ, एक मिनट पूरा कर दूँ, उस सदस्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो. दूसरी बात सर, ये सदन को क्या कर लिया गया है, आपके परिसर को, ग्रुप में हम जाते हैं बाहर देखते हैं, कहते साहब हम आपके साथ नहीं, लेकिन हम इस वार्ड से आए हैं, हम इस एरिया से आए. तो भाजपा सुनियोजित ढंग से राज्यसभा की मर्यादा का हनन कर रही है, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं. सो ऑनरेबल, कौन बोल रहे थे, मिस्टर सुशील कुमार मोदी. सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ओबीसी विरोधी रही है और उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 6 सितंबर 1990 को जब इसी सदन के अंदर 193 में डिस्कशन ऑन मंडल कमीशन लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी तो उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजीव गांधी, उनका मैं भाषण को कोट कर रहा हूँ. और मंडल कमीशन पर कह रहे हैं राजीव गांधी, टू मी इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री. Break of my country may not be important to you. You have taken country to the edge of caste war. It is Raja Sahib, yani VP Singh, who is trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country? Itrani Soti Mohde, ye bhi kaha Rajiv Gandhi ne. Hasty decision, Mandal Commission ki report par, the country is not prepared for it. This will compromise the goal of casteless society and promote casteism. Government seeks to benefit the privileged among backward caste. They seek to exclude the backward Muslims, Christians and Sikhs from the reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission report should not be implemented in toto. ये राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जाए. द मंडल कमीशन रिपोर्ट इज नॉट साइंटिफिक, नॉट टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड एंड इज नॉट इवन एकेडमिकली साउंड.
कास्ट कैन नॉट बी सोल डिफाइनर ऑफ बैकवर्डनेस। जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं, उनका चरित्र क्या रहा राष्ट्रपति महोदय? और मैं ऑथेंटिकेट उनकी स्पीच को सदन के अंदर आप कहेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं स्वाति महोदय, मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको भी आप कहेंगे मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ। ये देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था, और पत्र लिख रहे हैं मैं उसकी चार लाइन पढ़ रहा हूँ। माई डियर चीफ मिनिस्टर्स, देर SC ST दे डिजर्व हेल्प, बट इवन सो आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विसेज। आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनी थिंग विच लीड्स टू इनफिशेंसी एंड सेकेंड रेट स्टैंडर्ड्स। आई वॉन्ट माई कंट्री टू बी फर्स्ट क्लास कंट्री इन एवरीथिंग, बट इफ यू गो इन फॉर रिजर्वेशन ऑन कॉमनल एंड कास्ट बेसिस, वी स्वैम्प द ब्राइट एंड एबल पीपल एंड रिमेन सेकेंड रेट और थर्ड रेट। और ये कौन थे साथी महोदय लिखने वाले? मैं आगे एक लाइन और पढ़ना चाहूँगा। इट हैज़ अमेज्ड मी टू लर्न दैट इवन प्रमोशन आर बेस्ड समटाइम्स ऑन कॉमनल एंड कास्ट कंसिडरेशन। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने का काम किया है। Put it on the table of the house. जी, मैं तैयार हूँ रखने के लिए। सती महोदय, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें OBC रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था? आपने उस समय OBC आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? जब 76 और 77th अमेंडमेंट जो पंचायत और नगर निकाय के अंदर SC ST के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया, उसमें आपने और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, उसमें आपने OBC आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? उपसभापति महोदय, OBC आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था। हर एक को ये डर था कि हमारी सीट का क्या होगा। सती महोदय, कल अमित शाह जी ने भी लोकसभा में बताया कि संविधान 3 प्रकार की श्रेणी का ही इजाज़त देता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जनरल, और इन्हीं 3 के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। हम किसी नई श्रेणी को नहीं दे रहे। लोकसभा और विधानसभा में कभी भी OBC आरक्षण नहीं रहा है। जब महात्मा गांधी अमर अनशन पर बैठे थे पूना पैक्ट के लिए, वो भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था। पिछले करीब 90-100 साल में जब भी आरक्षण मिला है SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में, कभी भी OBC को लोकसभा और विधानसभा में कभी आरक्षण नहीं दिया गया। सती महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में OBC के लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं। मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा। 40 MPs हैं बिहार के, जिसमें 19 MPs OBC समाज के हैं। ये तो बिना आरक्षण के कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते। और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम OBC पुरुष को टिकट दे रहे, तो वहाँ तो महिला को टिकट देंगे, वहाँ तो पुरुष को टिकट नहीं देंगे, महिला OBC महिला को हम टिकट देंगे। प्लीज कंक्लूड। जी कंक्लूड, 2-3 मिनट और सर। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा और मैं एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा, अदर स्पीकर्स विल लूज टाइम, कि झारखंड के अंदर बिना OBC आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया, जहां पर कांग्रेस के 4 MLA हैं, RJD के 1 MLA हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता, कभी आपने पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि पंचायत का इलेक्शन आपने बिना OBC आरक्षण दिए कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो इसलिए रुका हुआ है कि आज तक उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। सती महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, जिसमें 26 OBC हैं, ये कुल 35% ठहरता है, जो एक रिकॉर्ड है। और जो लोग कहते हैं कि OBC विरोधी, उनको मैं इतना ही बता दूं, इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने OBC समुदाय से, श्री HD देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह, लेकिन उन दोनों को देवगौड़ा 11 महीने के प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए। किसने उनकी सरकार को गिराया? कांग्रेस उनकी सरकार को गिराने का काम किया।
और देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में कोई पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, इन लोगों ने सीताराम केसरी के साथ, इन लोगों ने सीताराम केसरी जो एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। उनको नीच कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। सत्य महोदय, 2015 में जो महोदय सत्य महोदय 2015 में 2015 में जब राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने ऑनरेबल मेंबर गए, सुशील जी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील जी, मिस्टर सुशील कुमार जी प्लीज, ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, आई हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड यू टू पुट द डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। नाउ व्हाट यू हैव स्टेटेड कैरिंग फैक्ट्स व्हिच आर बीइंग डिस्प्यूटेड, यू विल ऑथेंटिकेट देम एंड डू इट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे। और सती महोदय, और सती महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदंबरम साहब अभी सदन में नहीं है, मैं कोट करना चाहूँगा, 7 मई 2010 व्हेन चिदंबरम साहब वाज होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने क्या कहा। सती महोदय, चिदंबरम साहब ने संसद में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा, तो चिदंबरम को मैं कोट कर रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द क्वेश्चन रिलेटिंग टू कास्ट अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब वॉज नॉट इंक्लूडेड, कास्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लास्ट सेंसस ऑफ 2001। चिदंबरम साहब का ये बयान है कि एज ए पॉलिसी, और मैं उसके डॉक्यूमेंट जो उनके स्पीच का पार्ट है, और उनका आज़ादी के बाद नीतिगत तौर पर SC ST के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं आपने कास्ट सेंसस करा लिया 2010 में? क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत आपने करवाया? और चिदंबरम ने यह भी कहा, RGI का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, और इसे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और UPA सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और सती महोदय, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, जिसमें 5,000 करोड़ खर्च हुए, उसमें पता है सदन को कितनी जातियाँ दर्ज हुई? 46 लाख, जबकि देश में 1931 के अनुसार देर आर ओनली 4147 कास्ट, लेकिन 46 लाख कास्ट पर इन्यूमरेटेड इन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसलिए सती महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी हैं जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं, जो उन्होंने कहा श्रीमती लाया, और फूलो देवी नहीं कर सकता था।